क्या आप एक वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो पर आप नहीं जानते कि एक वेबसाइट कैसे बनाते हैं, क्या क्या आपको चाहिए, एक डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, ये किस काम में लगता है और ये हमें कहां से मिलेगा। अगर आपको ये लगता है कि एक वेबसाइट बनाना काफ़ी मुश्किल है तो इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखते रहो। 5 मिनट के अंदर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप भी एक वेबसाइट बना पाओगे। सो हे गाइस, देव हेयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए एक डोमेन, एक होस्टिंग एंड एक स्मार्टफोन या पीसी। ये डोमेन होता क्या है? मान लो आपका एक नया दोस्त है जिसको आप आपके घर में बुलाना चाहते हो। उस बंदे को पता नहीं है कि आपका घर कहाँ है, तो कॉमन सी बात है आप उसको आपका एड्रेस दोगे। तो सेम तरीके से आपका वेबसाइट का भी तो एक एड्रेस होना चाहिए, नहीं तो हम कैसे पहुंचेंगे आपके वेबसाइट में। तो ऑनलाइन एड्रेस को हम बोलते हैं डोमेन, फॉर एग्जांपल www.youtube.com। अब ये होस्टिंग क्या है? मान लो आप एक नया घर बनाने वाले हो तो आपको एक जगह तो चाहिए। तो सेम तरीके से एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको भी एक जगह चाहिए जहाँ पे ऑनलाइन आपका सारा कॉन्टेंट स्टोर होगा। तो ऑनलाइन जगह को हम बोलते हैं होस्टिंग। अब बात करते हैं कि डोमेन एंड होस्टिंग हमें कहाँ से मिलेगा, क्या ये हमें परचेस करना होता है? तो हाँ, इसको परचेस करना होता है। कहाँ से परचेस करना है और कैसे एक वेबसाइट क्रिएट करना है, चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले इंटरनेट की दुनिया में हम एक जगह परचेस करते हैं, मतलब एक होस्टिंग परचेस करते हैं। तो आपको सिंपली आ जाना है hostingers.in पे। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है होस्टिंग प्लान्स पे। यहाँ पे आपको बहुत सारा प्लान्स दिख जाएगा, तो आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे शेयर्ड वेब होस्टिंग से। यहाँ पे आपको सिंगल वेब होस्टिंग, प्रीमियम वेब होस्टिंग एंड बिजनेस वेब होस्टिंग प्लान मिलता है। यहाँ से आप कोई भी प्लान चूज कर सकते हो। यहाँ पे आप एक ऑनलाइन जगह परचेस कर रहे हो जहाँ आपके वेबसाइट का सारा कंटेंट स्टोर होगा। तो मेरे ख्याल से आप एक बेस्ट प्लान चूज करोगे। तो यहाँ पे जो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्लान है वो है 179 रुपीज पर मंथ, ये वाला प्लान। यहाँ पे आप एक ही वेब होस्टिंग से 100 वेबसाइट्स तक बना सकते हो। तो सिंपली आपको एड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करना है। अभी आपको ये तय करना है कि आप जो होस्टिंग प्लान यहाँ पे ले रहे हो इसको आप कितने महीने के लिए या कितने समय के लिए लेना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम चूज़ करते हैं 12 मंथ्स। तो आपका जो टोटल कॉस्ट है वो आपको साइड में दिख रहा होगा और ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा हैव ए कूपन कोड का। तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड सिंपली यहाँ पर आपको टाइप करना है देवटेक एंड प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर देना है। तो आपको 7% का डिस्काउंट इंस्टेंट मिल जाएगा। तो चेकआउट नाउ के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको लॉग इन करना है। तो लॉगिन आप लोग आपके गूगल अकाउंट या फेसबुक अकाउंट से कर सकते हो या फिर नीचे आप लोग एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको बहुत सारा पेमेंट मेथड मिल जाएगा। आप लोग कोई भी पेमेंट मेथड से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। आपको ATM, Paytm सारा कुछ मिल जाएगा। तो फटाफट से यहाँ पे मैं लॉगिन एंड पेमेंट कर देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे हमने एक होस्टिंग प्लान परचेस कर लिया है। और जब आप लोग पहली बार यहाँ पे लॉगिन करोगे होस्टिंग प्लान परचेस करने के बाद, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। और हमने जो होस्टिंग प्लान परचेस किया है उसके साथ हमें एक डोमेन नेम फ्री मिला है, मतलब डोमेन नेम के लिए हमें एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है। तो सिंपली आपको क्लेम डोमेन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक डोमेन नेम देना है कि किस नाम से आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हो। और साइड में आप लोग चूज़ कर सकते हो कि आपको .com चाहिए या .in चाहिए या फिर क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम डोमेन नेम देते हैं टेक्निकल देव और क्लिक करते हैं क्लेम डोमेन के ऊपर। अगर आपका डोमेन नेम अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगा, और अगर अवेलेबल नहीं होगा तो आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें सक्सेसफुली एक डोमेन नेम मिल गया है। और यहाँ पे आपको स्टार्ट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। होस्टिंगर मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ काफ़ी इजी है। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स फिल करना है कि ये जो डोमेन है ये आपके पर्सनल यूज़ के लिए है या आपकी कंपनी के लिए है। तो यहाँ पे आप सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करना है। तो सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करने के बाद आपको फिनिश रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है, बस। तो देखो, यहाँ पे आपका डोमेन का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया है। एक लास्ट छोटा सा काम है कि आपका जो डोमेन है उसको वेरिफिकेशन करना है। तो आपका जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है उस पर आपको एक मेल आएगा, मेल को ओपन करना है एंड सिंपली लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है एंड आपका जो डोमेन है वो वेरीफाई हो जाएगा। और अभी आपको जाना है होस्टिंग वाले टैब पे एंड आपका जो वेब होस्टिंग है इसको सेटअप करना है। सेटअप करना काफ़ी इजी है। सिंपली आपको सेटअप के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको एक स्टार्ट नाउ का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमें डोमेन चुनना है। कुछ टाइम पहले हमने एक फ्री डोमेन क्लेम किया था जो नीचे शो हो रहा है टेक्निकल देव। तो सिंपली हम सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डोमेन है जिसको आपने पहले से परचेस करके रखा है तो आप क्लिक करेंगे सेकेंड वाले ऑप्शन पे। नीचे आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा, बिल्ड ए न्यू वेबसाइट
सेकंड है माइग्रेट माय वेबसाइट। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई वेबसाइट है जिसको आप होस्टिंगर्स पे वर्डप्रेस पे ले आना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे सेकंड वाले ऑप्शन पे, और अगर आप एक नया वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे पहले वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं बिल्ड ए न्यू वेबसाइट पे। नेक्स्ट अब आपको पूछा जाएगा कि क्या आपने पहले कभी वेबसाइट बनाई है। अगर बनाई है तो आप क्लिक करेंगे येस आई हैव एक्सपीरियंस पे, और अगर आपका ये फर्स्ट टाइम है तो आप क्लिक करेंगे नो इट्स माय फर्स्ट टाइम पे। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे नो इट्स माय फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको एक टूल चूज करना है, जो आप होस्टिंगर का टूल चूज कर सकते हैं या फिर आप चूज कर सकते हैं वर्डप्रेस। तो यहाँ पे हम जाएंगे वर्डप्रेस की तरफ, जो एक मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन है कोई भी वेबसाइट बनाने का। अब यहाँ पे आपको वर्डप्रेस का एक अकाउंट क्रिएट करना है, जहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी एंड आपके हिसाब से कोई एक पासवर्ड देना है एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टेम्पलेट चूज करना है कि आपका वेबसाइट किस तरह का दिखना चाहिए। यहाँ पे आपको ढेर सारा टेम्पलेट्स मिल जाएगा। अगर आप लोग क्लिक करेंगे शो मोर पे तो आपको और भी बहुत सारा टेम्पलेट्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपके हिसाब से, आपके वेबसाइट के हिसाब से आप कोई भी टेम्पलेट चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये वाला टेम्पलेट चूज कर लेता हूँ। अभी आपको थोड़ा सा वक्त लग सकता है, इसलिए हम पार्ट को स्किप कर देते हैं एंड यहाँ पे आपको फिनिश सेटअप के ऊपर क्लिक करना है। तो देखा आपने कितना इजी है एक वेबसाइट क्रिएट करना। तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर एक वेबसाइट क्रिएट करने का जो प्रोसेस है हमने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है। नाउ योर वेबसाइट इज रेडी एंड आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, वर्डप्रेस डैशबोर्ड एंड दूसरा है कंट्रोल पैनल। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे मैनेज डैशबोर्ड के ऊपर एंड आपके सामने वर्डप्रेस का पैनल ओपन हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो वेबसाइट है वो बना है या नहीं। तो कॉर्नर में हमारा डोमेन नेम शो हो रहा है, तो वहाँ पे हम क्लिक करेंगे एंड क्लिक करेंगे विजिट साइट पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सारा कुछ यहाँ पे हमारा शो हो रहा है थीम के हिसाब से, एंड ऊपर जो डोमेन नेम है वो भी हमारा ही है technicaldev.com। तो यहाँ पे टेम्पलेट के हिसाब से जो सारा टेक्स्ट, जो सारा फोटोज़, जो सारा लिंक्स था डिफ़ॉल्ट, वही सारा कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। तो अभी हमें ये सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा अभी ये। तो इसीलिए हम जाएंगे फिर से हमारे वर्डप्रेस पैनल में एंड हम जाएंगे अपीयरेंस वाले ऑप्शन पे एंड जाएंगे थीम वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे जो कस्टमाइज का ऑप्शन है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये गो बाय उसका जो लोगो है इसको हटाते हैं या फिर चेंज करते हैं। तो सिंपली हम क्लिक करेंगे हेडर बिल्डर पे, या फिर आप क्लिक कर सकते हैं लोगो के ऊपर एंड वहाँ पे एडिट का ऑप्शन होगा, वहाँ पे जाके भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे लोगो के ऊपर एंड यहाँ से अगर हम चाहे तो लोगो को रिमूव भी कर सकते हैं या फिर चेंज भी कर सकते हैं। तो इसको हम हटा देते हैं, रखना ही नहीं है। तो नीचे एक ऑप्शन होगा डिस्प्ले साइट टाइटल, अगर हम उस ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं तो हमारा जो वेबसाइट का यूआरएल है वो वहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो technicaldev.com शो हो रहा है। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे मैं सिंपल technicaldev कर देता हूँ। कुछ भी चेंजेस करने के बाद सिंपली आपको पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है, नहीं तो जो सारा कुछ चेंजेस आपने किया है वो कुछ भी सेफ नहीं होगा। तो यहाँ पे हम सिंपली पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देते हैं, और सेम तरीके से आप लोग सारा कुछ यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। और साइड में डाउनलोड ऐप का एक ऑप्शन है, अगर आप लोग वहाँ पे क्लिक करते हैं एंड क्लिक करते हैं एडिट वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आप लोग टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, डाउनलोड ऐप के पीछे जो लिंक छुपा है उसको आप लोग चेंज कर सकते हैं। मतलब सारा कुछ गाइस आप लोग यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं सेम तरीके से, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग सारा कुछ समझ गए होंगे। और होस्टिंगर काफ़ी इजी है, सबसे इजी है। तो होस्टिंगर का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके डोमेन होस्टिंग सारा कुछ परचेज कर सकते हो एंड आपका खुद का एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करो और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल कर लो, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट कोई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।